गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुकेश गोयल, टांटिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी की तरफ से कुछ लेक्चर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी लेक्चर फिजियोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक वाइज व पार्ट वाइज होंगे। आज हम सबसे पहले बीपीटी सेकेंड ईयर के लिए बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट से नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन इज ए सीरीज ऑफ रिदमिकल अल्टरनेटिंग मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन एक्सट्रीमिटीज और ट्रंक का एक कंबाइंड मूवमेंट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे की तरफ लेके जाता है। नॉर्मल ह्यूमन के लोकोमोशन के बारे में जानकारी देता है। नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन में गेट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द गेट साइकिल, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए आप। सिंगल गेट साइकिल मींस एक्सट्रीमिटीज पासेज थ्रू वन स्टांस फेज एंड वन स्विंग फेज। गेट साइकिल डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, स्टांस फेज एंड स्विंग फेज। स्टांस फेज अगेन डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट्स, हिल स्ट्राइक, जिसको अपने हिल स्ट्राइक को कुछ लोग जो है हिल कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हिल ऑफ एंड टो ऑफ। इसी तरह से स्विंग फेज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सीलरेशन, मिड स्विंग एंड डिसीलरेशन। स्टांस फेज के अंदर अगर हम देखना चाहें तो हिल स्ट्राइक, दैट मीन हिल जो है ग्राउंड के ओनली टच होती है। देन फुट फ्लैट, यानी कि फुट जो है पूरा फ्लैट हो जाता है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपरली वेट नहीं आता। देन मिड स्टांस, यानी कि पूरा वेट के साथ में फुट जो है वो ग्राउंड के टच रहता है। देन हिल ऑफ, यानी कि सिर्फ हिल जो है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठता है। देन टो ऑफ, यानी कि जो ग्राउंड से है वो टो ऑफ हो जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि स्टांस फेज जो ग्राउंड को टच करते हुए जितनी फेज चलती है लोअर लिम्ब की, उसमें हिल स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हिल ऑफ एंड टो ऑफ। इसी तरह से स्विंग फेज के अंदर आते हैं, जब टो ऑफ हो जाता है तो फुट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो इसको बोलते हैं मिड स्विंग, और जब नीचे की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं डिसीलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टांस फेज के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि मैंने बताया, हिल कॉन्टैक्ट के बाद फुट फ्लैट आता है, तो हिल कॉन्टैक्ट और फुट फ्लैट के टाइम दोनों एक्सट्रीमिटीज, अगर एक पैर का हिल कॉन्टैक्ट और फुट फ्लैट चल रहा है तो दूसरी एक्सट्रीमिटी भी किसी न किसी स्टेज के अंदर ग्राउंड के टच होती है। इसी तरह से हिल ऑफ और टो ऑफ के टाइम भी दूसरी एक्सट्रीमिटीज ग्राउंड के टच रहती है, लेकिन मिड स्टांस के अंदर एक एक्सट्रीमिटीज के ऊपर कंप्लीटली वेट होता है और दूसरी एक्सट्रीमिटीज एयर में होती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए दो पॉइंट्स अपने पढ़ेंगे, डबल सपोर्ट और सिंगल सपोर्ट। इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो डबल सपोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। दिस इज द पीरियड एट विच बोथ लोअर लिम्ब कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों लोअर लिम्ब्स ग्राउंड के टच होते हैं, और वो कौन सी स्टेज होती है, हिल कॉन्टैक्ट टू फुट फ्लैट एंड हिल ऑफ टू टो ऑफ। और इसके अंदर कंटिन्यूटी में आगे थोड़ा सा और लिख लीजिए, द डबल लिम्ब सपोर्ट इज पॉसिबल बिटवीन द हिल ऑफ टू फुट फ्लैट एंड अनदर वे हिल ऑफ टू टो ऑफ। सिंगल सपोर्ट जैसा कि बताया कि एक एक्सट्रीमिटीज का जो है वो ग्राउंड के टच रहेगी, दूसरी एक्सट्रीमिटी जो है वो एयर में रहेगी। इसके बारे में लिख लीजिए, इन दिस पीरियड वन लोअर लिम्ब कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड अनदर लिम्ब इन एयर। द सिंगल सपोर्ट इज पॉसिबल इन मिड स्टांस फेज। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि फास्ट वॉकिंग और रनिंग के अंदर
डबल सपोर्ट है उसका टाइम काफी कम हो जाता है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, इन फास्ट वॉकिंग एंड रनिंग डबल सपोर्ट टाइम इज रिड्यूस्ड, यानी कि डबल सपोर्ट अगर बढ़ता है तो नॉर्मल ह्यूमन जो है वो स्लो चलता है, और डबल सपोर्ट कम होता है तो वो फास्ट चलता है, और अगर खत्म हो जाता है यानी कि फास्ट रनर्स जो होते हैं उनके अंदर डबल सपोर्ट होता ही नहीं है। थैंक यू।